सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। दावा किया जा रहा है कि ये दोनों महिला और पुरुष पाकिस्तानी मुस्लिम पत्रकार है, मगर वहीं कुछ लोगों का कहना है कि यह जो महिला है वह हिंदू है। इसमें क्या सच्चाई है इसकी पुष्टि हम नहीं करते हैं, मगर इन दोनों की बातचीत क्या हुई है गीता को लेकर यह आप जरूर सुनिए। मुझे किसी ने गीता की एक आसान ट्रांसलेशन भेजी, जो मैंने पढ़नी शुरू की तो दरवाजे खुलते गए, खिड़कियां खुलती गई थी। और बेसिक सवाल यह था मेरे जहन में कि अल्लाह ने सबको पैदा किया है और अल्लाह बहुत ही रहीम है, करीम है, बहुत ही काइंड है। तो फिर मैं ये सोचता था कि फिर एक काइंड है वो कहता है कि जो कलमा नहीं पढ़ता उसको मैं जहन्नम की आग में जलाऊंगा। तो मैं सोचता था कि यार मेरे बच्चे हैं, अगर उसमें से एक बच्चा मेरी बात नहीं मानता तो क्या मैं उसको आग में जला सकता हूँ? तो जब मैं एक इंसान नहीं कर सकता तो वो रहीम और करीम कैसे ये कर सकता है? तो मुझे गीता में इसका जवाब ये मिला कि अल्लाह कहता है कुरान में कि भाई मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं जहन्नम की आग में जलाऊंगा। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन को कि मैंने तुम्हें सारा ज्ञान दे दिया, सारी बातें समझा दी, अब ये तुम पे है, तुम मानो तो मानो, नहीं मानो तो नहीं मानो। इसी तरह कुरान में है कि आप सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करोगे, बाकी अगर किसी की इबादत करोगे तो आप जहन्नम में जाओगे। गीता के की कहीं आपको कन्फाइन नहीं करती कि आप सिर्फ कृष्ण जी की पूजा करोगे या आप गणपति जी की। वो कर्मा पे सारा जोर है कि अपने अमल अच्छे बनाओ, इंसान जानवर फल फूल पौधे हर चीज का ख्याल रखो। और यही आज का साइंटिस्ट कहता है कि क्लाइमेट के हवाले से और ये सब चीजें, गीता कहता है कि नरम साफ सुथरी फूड खाओ, वही आजकल बायो फूड के ऊपर बहुत ज्यादा जोर है। तो ये सारे जवाब मुझे गीता से मिलने लगे और फिर मुझे एक खूबसूरत धर्म से इंट्रोडक्शन हुआ जिसमें सारे इंक्लूसिव फैसिलिटी फेस्टिवल्स हैं कि आप सारे फेस्टिवल्स, एक तो फेस्टिवल्स का धर्म है, इसमें कहीं कोई मार कुटाई ये वो नहीं है, नॉन वायोलेंस है टोटल। और इसमें इंक्लूसिव है कि आप सबको दिवाली की बर्फी खिलाएं, आप सबके साथ मिलके होली मनाएं, दिवाली मनाएं, ये वो। मुसलमान कहता है नहीं, सिर्फ हमारे फेस्टिवल मनाओ, बाकी फेस्टिवल मनाना हराम है। इस तरह की कई चीजें मुझे, कई सीख मिली जिससे मुझे ये फील हुआ कि ये जो हिंदू धर्म है ना, सनातन फिलोसोफी, ये ऐसा नहीं है जैसे इब्राहिमिक रिलीजन में है कि एक आदमी आता है और कहता है कि मैं जी हूं प्रॉफिट, मुझे अल्लाह ने भेजा है और मुझे ये किताब दी है और ये आसमान से उतरी है और ये रूल्स ऑफ लाइफ है, ये आपने हर हालत में फॉलो करने और तलवार के जोर पे। जबकि सनातन 50,000 साल के इवोल्यूशन से बना है और ये एक दिन में एक किताब में एक आदमी ने आके नहीं दिया है, इसमें वेद आए, पुराने आए, गीता रामायण, इसमें मुख्तलिफ दौर में मुख्तलिफ सीख दी गई और एक बेसिक आइडियोलॉजिकल फेद डेवलप हुआ जिसमें कहीं भेदभाव नहीं है। ठीक है बाद में कोई कहता है कास्ट सिस्टम आया, ये वो, ये सब पॉलिटिकल है। और ये इन्वेडर्स का जमाना था, इसमें इन चीजों को ज्यादा एक्सप्लोइट किया गया ताकि मालाइन किया जाए हिंदुइज्म को। और अब्रामिक रिलीजन जिन्होंने यहाँ पे इन्वेजन किए थे वो अपने आप को यहाँ पे फेमस कर सकें या एडजस्ट कर सकें या ऑक्यूपाई कर सकें। तो बाकी अदरवाइज मैंने देखा है कि जैसे औरतों के हवाले से सबसे ज्यादा मुझे मुश्किल ये आती है कि देखिए दुनिया की 50% पॉपुलेशन है ना वो औरतें हैं, लेडीज हैं, फीमेल हैं, महिलाएं हैं। और इस्लाम में क्लियर अल्फाज में, आज सुबह ही मैंने वीडियो लगाई है कि क्लियर अल्फाज में कहा है कि औरत है ना वो मर्द की गुलाम है और मर्द जब जिस वक्त जैसी भी हालत हो औरत की वो बुलाए तो औरत उसको ओबे करे। और एक तरफ कहा जाता है कि इस्लाम ने औरत को इतना बड़ा दर्जा दिया कि इसके पांव के नीचे जन्नत रख दी, लेकिन वही माँ अपने शोहर से के हाथों पिटती रहती है, वही माँ अपने बेटे की इजाजत के बगैर घर से बाहर कदम नहीं रख सकती, विरासत में आधा हिस्सा, गवाही आधी। प्रॉफिट मोहम्मद कहते हैं कि मैं जब घोड़े पे बैठ के उड़ के आसमान जा रहा था अल्लाह से मिलने के लिए तो मुझे जहन्नम दिखाई गई, तो जहन्नम औरतों से भरी हुई है जी। एक औरत ने सवाल किया कि या रसूल अल्लाह ऐसा क्यों था? तो बोले इसलिए कि वो अपने शोहर की बात नहीं मानती, यानी गुलामी करो तो तुम लोग, तो 50% पॉपुलेशन के राइट्स तो वैसे ही खत्म हो गए। जबकि हिंदू धर्म में देवियां हैं औरतें,
मुसलमानों में कोई देवी नहीं है, लेकिन हिंदू धर्म में देवियां हैं। कहीं हमने हिस्ट्री में ऐसा नहीं देखा कि भेदभाव हो, कि औरत की आधी विरासत है या आधा हिस्सा है या ये वो। तो ये सारी चीजें थी जिससे मुझे महसूस हुआ कि द राइट पाथ इज टू फॉलो गीता, नो अदर बुक। जी बहुत अच्छी बात है, मुझे तो बहुत खुशी होती है आपने इतना अच्छा मतलब गीता को समझना। मैं भी बहुत लेट समझी, लेकिन समझे तो पता चला कि क्या था अब्राहमिक रिलीजन और क्या है ये, इसके भेद ही हमें पता चल जाते हैं।